हेलो गाइस, दिस इज़ पॉनविश्ट एंड यू आर वाचिंग लखनऊ राइड। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हुए हैं। आज हम आए बेस्ट डील फॉर व्हील्स। फिलहाल यहाँ पर हमने पिछला वीडियो डाला था जिसमें हमने आपको सिर्फ और सिर्फ मारुति की गाड़ियाँ दिखाई थी, तो आज हमने ये डिसाइड किया कि यहाँ पर हम लोग आज सिर्फ और सिर्फ हुंडई की गाड़ियाँ एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें लो सेगमेंट और मिड सेगमेंट का हम लोग मिक्स सेगमेंट आपको दिखाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करेगा, जिससे आने वाले वीडियो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, नीचे आपको लिंक मिल रही होगी। इंस्टाग्राम पर मैं अपने वीडियो की सारी अपडेट्स देता रहता हूं, आप वहां पर मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे बातें भी कर सकते हैं। तो चलिए शॉप के सेल्स रिप्रेजेंटेटिव बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं और गाड़ियाँ एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपके स्क्रीन पर वो नाम जो हमारे वीडियो पर अच्छे से कमेंट करके हमें पूरा सपोर्ट और प्यार देते हैं। तो हमारे साथ सुबोध भाई जुड़ चुके हैं। भैया को किसी वैसे इंट्रोडक्शन की जरूरत तो है नहीं, तो वैसे सबसे पहले तो भैया आपको हैप्पी न्यू ईयर। आपको भैया और बाकी सभी लोगों को मेरी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो भैया पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया था मारुति की गाड़ियाँ, तो आज हम लोग डिसाइड किया सिर्फ यहाँ पे हुंडई सेगमेंट की गाड़ियाँ दिखाएंगे। ठीक है, तो आप एक्सप्लोर करिएगा। बिल्कुल करेंगे। तो आपके पास कौन कौन से वैसे मिल जाएंगी हुंडई में गाड़ियाँ? गाड़ियाँ तो मेरे पास सभी हैं, अगर मैं यौन से शुरू करूँ और सेंटाफे पे खत्म करूँ तो बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, सभी गाड़ियाँ मिल जाएंगी जी। और मुझे लगता है कि हुंडई में भी इतनी गाड़ियाँ हैं कि एक दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर सकते हैं, तो ठीक है। फिलहाल आज मैं छोटे सेगमेंट से लेकर और बड़े सेगमेंट तक की कुछ गाड़ियाँ दिखाता हूँ, वो देखिए। तो हम लोग शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? शुरुआत करते हैं i20 है, तो यहीं से शुरुआत कर देते हैं। इसका और नहीं तो छोटी गाड़ी से शुरुआत करें तो यौन से करें पहले, भी यहीं पहले तो यहीं से खड़ी करते हैं। हाँ, यहीं से बात करते हैं। मॉडल की बात करें तो 2018 का मॉडल है इसका जी। स्पोर्ट्स वेरिएंट होगी, सॉरी ये 19 मॉडल है, 19 मॉडल है, 2019 का मॉडल है। फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, नंबर लखनऊ का हो गया। ठीक है, मेटेलिक ग्रे कलर हो गया, ये स्पोर्ट्स वेरिएंट है ये जी। और बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी होगी। अगर गाड़ी की बात करें, हाँ, अभी गाड़ी जो चली हुई है ये 18,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। 18,000, ठीक है। और स्पोर्ट्स मॉडल है, इसलिए आपके अगर फीचर्स की बात करूं तो दो एयरबैग हो गए, ABS हो गया, अलॉय व्हील हो गया, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट हो गया जी, क्राइम कंट्रोलर आपका स्टीयरिंग पे ही हो गया, सीट कवर आपके लेदर के हो गए, पीछे आपका हैंडरेस्ट भी हो जाता है, और चाहे तो कप होल्डर की बात करूं तो सभी कुछ है गाड़ी में, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। शीशे वगैरह साइड मिरर वगैरह ऑटो हो जाएंगे। ठीक है, टायर की अगर बात करें, ओरिजिनल टायर पे गाड़ी है, अभी पांचों टायर साथ के लगे हुए, कोई भी टायर बदला नहीं गया है जी। स्टेपनी की बात करूं तो आप दिखाइए, यहां से अनयूज रखी हुई, ब्रांड न्यू वैसे ही गाड़ी की स्टेपनी रखी होगी। अभी अगर गाड़ी की कंडीशन की बात करूं तो पूरी ओरिजिनल कंडीशन है ये जी, ये स्टेपनी रखी हुई, अभी तक यूज नहीं करी गई है, पूरी ओरिजिनल कंडीशन है, कोई भी पेंट पॉलिश अभी तक गाड़ी के ऊपर नहीं हुआ है। तो बढ़िया कंडीशन में गाड़ी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, बाकी जब गाड़ी आपको देंगे तो हम और चमका के देंगे इसको। ठीक, तो बेहतरीन कंडीशन की गाड़ी, कुछ भी नहीं करना है, और बढ़िया है, 20 का तो बहुत बढ़िया हिसाब किताब है, बहुत बढ़िया गाड़ी है। स्पोर्ट्स वेरिएंट मतलब है, हाँ, तो ये मिड मॉडल हो जाता है। हाँ, इसके ऊपर एक मॉडल हो जाता है, एक मॉडल इसके नीचे हो जाता है, आस्टा इसके ऊपर हो जाता है और मैग्नेस के नीचे हो जाता है। ठीक है, तो बढ़िया फर्स्ट क्लास गाड़ी है, कुछ भी करना नहीं है आपको गाड़ी में, बस फ्यूल डालिए और गाड़ी चलाइए, इतना ही करना है, बाकी आप इसकी बैक प्रोफाइल भी एंजॉय कर सकते हैं। तो अब आते हैं भैया इसकी डिमांड पर। आस्किंग प्राइस की बात करूं तो 725 का इसका आस्किंग प्राइस है, जो कि निगोशिएबल है, जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ उसमें बार्गेनिंग करी जा सकती है। भैया ने रखी है डिमांड इसकी 7,25,000, जो कि निगोशिएबल हो जाएगा बिल्कुल, अगर यहाँ आके बात करेंगे। ठीक है, सकता है, बाकी हम जैसे गाड़ियों के बारे में बताते हैं हमेशा 100% गारंटी के साथ में गाड़ियाँ होंगी, ये फुल गारंटी होगी, पूरी तरह से गाड़ी की लड़ी भिड़ी एक्सीडेंटल कागज पत्तर इंजन मैकेनिकल और मीटर, खास तौर पे जितनी भी गाड़ियाँ चली होंगी, जो चली होंगी, सब कुछ ओरिजिनल चली होंगी। किसी भी गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है, अपनी संतुष्टि के लिए आप इसको चेक कराइए, दिखाइए, और जब पूरी तरह से संतुष्ट हो जाए तभी बात करेंगे। इस कार बाजार की खासियत है, यहाँ पर आपको सब कुछ जेन्युइन मिल जाएगा बिल्कुल। और एक और चीज़ बताइएगा, वारंटी भी यहाँ मिलती है बिल्कुल, 6 महीने की हम इसमें गारंटी भी देंगे, जिसमें आपका इंजन हो गया, AC हो गया, गियर बक्सा है, बैटरी है, ये सारा कुछ हमारी गारंटी में होगा। क्लच और ब्रेक दो आइटम छोड़ के, ये आपके यूज पे डिपेंड करता है, आप कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, वो तो रश ड्राइविंग पे डिपेंड है, तो ये पूरी गारंटी होगी, बाकी आप चेक करा सकते हो, दिखा सकते हो, प्राइस नेगोशिएट तो कर ही दिया जाएगा, बिल्कुल करेंगे। आई नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं, तो सुबोध भाई अगली गाड़ी कौन सी है? अब इस समय यौन की बात करते हैं, यौन की, ठीक है। तो हुंडई में ये भी सबसे शुरुआती ब्रांड हो गया जी। मॉडल की बात करें तो 2013 का मॉडल है ये जी, और फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, और यौन में एरा प्लस है ये। एरा प्लस, हाँ, एरा प्लस। एक्चुअली में इसमें 6 वेरिएंट आते हैं, एक इनका डिलाइट हो जाता है, फिर डिलाइट प्लस, फिर एरा, फिर एरा प्लस, फिर मैग्ना, मैग्ना प्लस, फिर स्पोर्ट्स जी, ऐसे करके कई सारे ब्रांड हैं। तो है, ये मिड ब्रांड हो जाता है, मिड ब्रांड कह सकते हैं। और फ्रंट के आपके दो पावर विंडो हो जाते हैं, पावर स्टीयरिंग, AC, ठीक है, और हीटर, ये सारा कुछ हो जाता है। अगर इसमें अगर टॉप वेरिएंट की बात करूँ तो पावर विंडो उसमें भी दो ही होते हैं, बस एक एयरबैग और म्यूजिक सिस्टम का फर्क हो जाता है। ठीक है, शीशे वगैरह बॉडी कलर हो जाते हैं, ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो फर्क में आ जाती हैं। फिलहाल ऑनर तो सब यहाँ पे ऑलमोस्ट फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी। ठीक है, और गाड़ी की भी बात करूँ तो बहुत ही अच्छी कंडीशन में गाड़ी है, कुछ भी नहीं करना, अभी मैंने व्हील कैप वगैरह नहीं लगाए हैं, वो भी लग के मिलेंगे।
टायर की बात करें, बढ़िया बेहतरीन कंडीशन में चारों टायर नए पड़े होंगे, नए पड़े हैं, देख के ही पता लग रहा है। 55,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है जो कि ऑन रिकॉर्डेड है, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में है जी। आप उसको चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं, ठीक है। बाकी पूरी चेक करी हुई गाड़ियां होती हैं, कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ फ्यूल डालना है गाड़ी में और कुछ नहीं करना है इसके अलावा जी। अभी ओरिजिनल सीट कवर पे गाड़ी है तो थोड़ा सा सुंदरीकरण अगर आपको करना हो तो अपनी तरफ से आप सीट कवर लगा सकते हैं और जो भी झूला वाला टांगना चाहें, सेंटर रखना चाहें, डेकोरेट करा सकते हैं अपनी मर्जी से आप। बाकी गाड़ी में मैकेनिकली आपको ना कुछ करना है, ना ही कुछ बॉडी लाइन से करना है, ना टायर से, ना इंजन से, ना इंटीरियर से, किसी चीज में कुछ नहीं करना है जी। तो अब आते हैं इसकी डिमांड पर। आस्किंग प्राइस की बात करें तो आस्किंग प्राइस हमारी इसकी 2,50,000 रुपए की है, 2,50,000 जो कि नेगोशिएबल है। जब भी आप बैठे होंगे तो बार्गेनिंग करी जा सकती है और जो भी थोड़ा बहुत कम हो जाए, ठीक है। अगर आप आएंगे तो 2,50,000 में भी थोड़ी बहुत गुंजाइश हो सकती है, ठीक है, बिल्कुल हो सकती है। आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं। तो सुबोध भाई, अगली गाड़ी एक्सेंट खड़ी हुई है, इसकी भी बात करते हैं, ठीक है। मॉडल की बात करूं तो इसका भी 2017 का मॉडल है जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, नंबर लखनऊ का हो गया आपका जी, और सेकंड टॉप मॉडल है ये, एस वेरियंट होगा ये, एस वेरियंट का ये सेकंड मॉडल है, इसमें ऊपर का मॉडल आ जाता है जी, SX हो जाता है फिर और ऊपर जाएंगे तो बढ़िया बेहतरीन गाड़ी होगी। गाड़ी बहुत कम चली हुई है, 17,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है अभी तक। मैनुअल ट्रांसमिशन है इसका, पेट्रोल वेरिएंट है, ओनर फर्स्ट है, नंबर लखनऊ का हो गया, ठीक है। कुछ भी नहीं करना, भी सारे टायर वगैरह सब साथ के ही लगे हुए हैं गाड़ी के, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है, ना ही कुछ किया गया है गाड़ी में, पूरी एक्चुअल कंडीशन होगी। पेट्रोल वेरिएंट है ये, पेट्रोल पर है, और मैंने बम्पर वगैरह टचअप किए हैं इसके, बाकी बॉडी लाइन में कोई भी काम नहीं किया है, ठीक है। सीट कवर अभी ओरिजिनल लगे होंगे। टायर की बात करें कितने परसेंट चल गई होगी, टायर की बात करें अभी 17,000 चली हुई है तो ये मान के चलिए कि आपके ये 70-75% टायर लगे हुए हैं, कंपनी के साथ के ही टायर लगे हुए हैं। गाड़ी लगभग चल जाती है 70,000-65,000, 60,000 तो आदमी चला लेता है। क्या एवरेज क्या दे रही होगी? माइलेज की बात करूं तो लोकल शहर में आपका वही करीबन 16 के आसपास का माइलेज देगी, हाईवे पे है तो लमसम 18 के आसपास का जाएगा, बाकी डिपेंड यूज पे करता है, ठीक। और फीचर आपके सारे हो जाते हैं, चारों पावर विंडो मिल जाएंगे आपको गाड़ी में, पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी हो गया और म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट हो गया, कंट्रोलर भी आपके स्टीयरिंग पे ही मिल जाते हैं जी। और पीछे आपका पीछे वाली बैक सीट की बात करूँगा तो वहाँ पे भी कप होल्डर भी मिल जाएगा, एसी का भी पीछे सिस्टम होता है तो बैक एसी भी मिल जाता है, शीशे वगैरह सब ऑटो हो जाते हैं जी। तो कुछ भी करना नहीं गाड़ी में, आपको सिर्फ फ्यूल डालनी है और गाड़ी चलाइए, ठीक है। और कम चली हुई गाड़ी है तो वैसे भी कुछ नहीं बोलना, बाकी आप इसकी बैक प्रोफाइल भी एंजॉय कर सकते हैं, पूरा वॉक अराउंड भी ले सकते हैं, अंदर से भी देखिए और सब कुछ आप लेयर्स में एंजॉय कर सकते हैं। तो अब जानते हैं एसेंट की डिमांड के बारे में। आस्किंग प्राइस की बात करें तो हमारी आस्किंग की 5,50,000 रुपए की है, 5,50,000 और जो कि नेगोशिएबल है, जब भी आप बैठे होंगे तो बार्गेनिंग करी जा सकती है कुछ ना कुछ, और जो भी कम हो जाए 5.5 लाख मैंने डिमांड बताई है जो कि नेगोशिएबल हो जाएगा अगर यहाँ के बात करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं। तो भैया, थोड़ा लग्जरी सेगमेंट की तरफ आते हैं, कौन सी है इसकी बात करते हैं, वरना है जी। और ये भी फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, ठीक है, और लेटेस्ट मॉडल हो गया, 2019 का मॉडल है इसका जी, और पेट्रोल वेरिएंट होगा, SX 1.6 है ये, ठीक है। और अभी मात्र गाड़ी ये 12,000 किलोमीटर चली हुई है, पूरी एक्चुअल कंडीशन की गाड़ी होगी, कहीं कुछ भी नहीं करना गाड़ी में जी। स्टेपनी वगैरह ब्रांड न्यू रखी होगी, अभी तक निकाली नहीं गई है, सारे टायर एकदम नए जैसे होंगे, 12,000 चली गाड़ी में कुछ होता नहीं है। मॉडल कौन सा था आपने? 2019 का मॉडल है और SX 1.6 वेरिएंट है इसका, वेरिएंट इसके ऊपर ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल में सनरूफ हो जाता है, इसमें सनरूफ नहीं है, सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है। बाकी सारे फीचर होंगे, चाहे मैं हर एक चीज की बात करूं, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, ठीक, वाइपर, डिफॉगर, लेदर के सीट कवर, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट, विद कैमरे के साथ में LED, कंट्रोलर आपके स्टीयरिंग पे, शीशे ऑटो, पीछे आपका हैंडरेस्ट विद कप होल्डर, यहाँ पे भी हैंडरेस्ट हो गया जी। कुछ भी नहीं करना गाड़ी में, ना आपको सीट कवर डालनी है, ना मैटिंग डालनी है, ना ऊपर नीचे बॉडी में कुछ करना, ना इंजन, ना इंटीरियर, कहीं से भी कुछ नहीं करना, सिर्फ आप इसमें पेट्रोल डालिए और गाड़ी चलाइए, इसके अलावा और कुछ नहीं करना। क्या माइलेज क्या दे रही होगी? माइलेज की बात करूं तो वही 15-16 का लोकल माइलेज होता है, क्योंकि थोड़ा सा भारी गाड़ी होती है, और इंजन की बात करूं तो 1600 cc का इंजन भी हो जाता है, तो माइलेज का फर्क पड़ता है। बाकी आप इसका देख सकते हैं पूरा वॉक अराउंड, बहुत ही बेहतरीन कंडीशन, 2019 मॉडल है, 19 मॉडल गाड़ी है, सिर्फ एक साल पुरानी है, पूरा ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ, कुछ भी नहीं करना आपको, बस फ्यूल डालना और गाड़ी चलाना है, ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है, तो बेहतरीन कंडीशन में है। अब आते हैं इसकी डिमांड पर। आस्किंग प्राइस हमारी इसकी 9,50,000 रुपए की है, 9,50,000, और जो कि नेगोशिएबल है, जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है। 9,50,000 भैया ने वरना की डिमांड बताई है, जो कि नेगोशिएबल हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं करना है, पुश स्टार्ट पर है, पुश बटन स्टार्ट पर दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी अगर आप आके बात करेंगे नेगोशिएट तो थोड़ा बहुत कर दिया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं। तो भैया, अगली गाड़ी फिर वरना ही खड़ी है मैं बता देता हूँ, ठीक है। और ये भी 2019 का है, शुरुआत की गाड़ी है, सेम मॉडल की, हाँ सेम मॉडल है, SX 1.6, ये भी होगी, वेरिएंट भी सेम है, सेम वेरिएंट है जी, और कलर भी सेम हो गया, कलर भी सेम हो गई है, बस थोड़ा सा फर्क हो गया, वो 12,000 चली हुई थी और ये 24,000 चली हुई है, 24,000 चली हुई है, तो फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर लखनऊ का हो गया आपका, और SX 1.4 फीचर सब सेम होंगे,
SX1.6 सारे फीचर वही होंगे आपके, जैसे मैंने बताया था कि एयरबैग, ABS, अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट, कंट्रोलर आपके स्टीयरिंग पे, और इसमें सीट कवर की अगर बात करूँ तो सीट कवर ओरिजिनल लगे हुए हैं, सीट कवर आपको अगर चाहें तो डलवाने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है, स्टेपनी इसकी भी अनयूज रखी हुई है, यूज़ नहीं करी गई है, टायर वगैरह सब साथ के ही लगे हुए हैं। माइलेज सेम, माइलेज की बात करूँ तो सही माइलेज है इसका भी, वही 15-16 लोकल माइलेज आपको देगी, और हाईवे पे हैं तो करीब 18 के आसपास का माइलेज आता है, डिपेंड आपके यूज़ पे करता है आप कैसे यूज़ कर रहे हैं जी, उसके आधार पे ही होगा। तो सिर्फ ये वो 12,000 चली थी, ये 24,000 चली है, तो प्राइस का भी थोड़ा बहुत अंतर होगा, कितना? और ये 925 की है, 9,25,000 रुपए, 9,25,000 की इस वरना की डिमांड रखी है, जो कि नेगोशिएट तो हो जाएगा, और जब भी आप बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करी जा सकती है, जो भी कम हो जाए जी। आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं, तो सुबोध भाई अगली गाड़ी i20 खड़ी हुई है, इस समय काफी गाड़ियां हैं मेरे पास में i20 और इसमें सब में जी, और बड़े लेटेस्ट मॉडल होंगे, ठीक है। ये भी बात करूंगा तो 2020 का मॉडल है ये i20 का, 2020 का ही है जी हाँ, और अभी पूरी एक्चुअल कंडीशन आप देख रहे हैं गाड़ी की, कोई भी पेंट पॉलिश नहीं, थोड़ा सा गंदी जरूर खड़ी है गाड़ी। वैसे 2020 में कौन सा ये वन मंथ की होगी? 2020 में ये आपकी जनवरी की है, जनवरी की गाड़ी है, ठीक है, यानी कि ऑलमोस्ट एक साल हो गया है। हाँ बिल्कुल हो गया है, लगभग होने वाला है जी, और गाड़ी भी 17,000 किलोमीटर चल गई है। वेरिएंट कौन सा होगा ये? ये टॉप मॉडल होगी, टॉप मॉडल ऑस्टा है, ठीक है, ऑस्टा में भी ऑप्शनल हो गई है, तो फुल टॉप हो गया है, इसमें कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं है, सारे फीचर हो जाते हैं आपके जी। अगर मैं बात करूँ तो फुल फीचर हैं, चारों पावर विंडो, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, डिफॉगर, एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट विद बैक कैमरा के साथ में, शीशे ऑटो जी, हैंडरेस्ट, कप होल्डर, सीट कवर आपके लेदर के हो गए जी, स्टेपनी यूज नहीं करी गई, टायर वगैरह सब वैसे लगे हुए हैं। चली कितना है? 17,000 किलोमीटर चली हुई है, चली हुई है। डीजल पर होगी? पेट्रोल वेरिएंट है ये, पेट्रोल पर है, हाँ पेट्रोल पर मिल जाएगा आपको। माइलेज गाड़ी है, माइलेज की बात करूँ तो लोकल माइलेज की अगर बात करें तो लोकल में गाड़ी वही 16 के आसपास का माइलेज देती है जी, और जब हाईवे पे होते हैं तो लमसम 18 के आसपास का माइलेज पहुंचता है, ठीक है, डिपेंड आपके यूज पे करता है, और शहर में भी माइलेज पता कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जी, में इतना ट्रैफिक होता है, जगह जगह लाल लाइटें लगी हुई हैं, हाँ, तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाला स्ट्रिक्ट हो गया एकदम, तो माइलेज थोड़ा सा पता कर पाना मुश्किल। चली कितना बताया आपने? 17,000 चली हुई है, एक साल मात्र पुरानी है, i20 अस्टा ऑप्शनल, तो ऑप्शनल इसकी भी डिमांड बताइएगा। आस्किंग प्राइस की बात करें तो कस्टमर आस्किंग प्राइस तो इसका काफी कर रहा है, 8,50 का है, बाकी गाड़ी 8 के आसपास कहीं हो सकती है ये, और नई गाड़ी की बात करूँ तो 10 प्लस की गाड़ी है ये, तो हम लोग 8 लाख मान लेते हैं, लगभग 8 के आसपास, लगभग 8 लाख है, जो कि ये भी नेगोशिएट हो सकता है अगर आप यहाँ के, अगर कुछ हो जाए इसमें तो कह नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत हो सकता है गुंजाइश, अगर आप यहाँ के बात करेंगे, ठीक है, तो बात करी जा सकती है, कुछ ना कुछ बात करी। आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं, तो सुबोध भाई अगली गाड़ी कौन सी है? क्रेटा की बात करते हैं, क्रेटा, ठीक है, फिर डिमांडेबल गाड़ी है, समय बहुत डिमांड इसकी रहती है। मॉडल की बात करें तो इसका भी 2018 का मॉडल है जी, और वेरिएंट इसका है 1.4 ई प्लस है ये, ई प्लस, अलॉय व्हील वगैरह इसमें नहीं आते, इन्होंने कंपनी से ही लगवा रखे हैं इसमें जी, तो आपके सारे अलॉय व्हील होंगे। गाड़ी इस समय 83,000 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है ये, चारों टायर इसके ब्रांड न्यू नए पड़े हुए हैं, स्टेपनी बहुत अच्छी कंडीशन में रखी हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर लखनऊ का है जी, और बड़ा अच्छा नंबर है, ऑलमोस्ट वीआईपी नंबर है, 51 आपको नंबर मिल जाएगा जी, और गाड़ी में भी कुछ भी नहीं करना है, चाहे बॉडी लाइन की बात करूँ या अंदर से बात करें, फीचर की बात करूँ तो फीचर भी आपको सारे मिल जाते हैं, जैसे आपके चारों पावर विंडो हो गए, पावर स्टीयरिंग, एसी, हीटर, दो फ्रंट के एयरबैग, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट, और सीट कवर आपके लेदर के हो गए, ठीक है, पीछे भी आपका यहाँ भी हैंडरेस्ट वगैरह हो जाता है, पीछे भी हो जाता है। आते हैं टायर पर, बढ़िया चारों टायर नए पड़े हुए हैं, स्टेपनी बहुत अच्छी है, लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं करना गाड़ी में, एकदम बेहतरीन कंडीशन में गाड़ी होगी जी। और क्या माइलेज का दे रही होगी गाड़ी? माइलेज की बात करूँ, अगर लोकल शहर की माइलेज करें तो लमसम 18 के आसपास, 17-18 लोकल माइलेज देती है, ठीक है, और हाईवे पे है तो लगभग 20 के आसपास का माइलेज होता है, एक्चुअली में इंजन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, 1400 cc का इंजन है, तो माइलेज इसका बहुत अच्छा हो जाता है। डीजल पर होगा? बिल्कुल डीजल पे इंजन है, 20 के आसपास का आपका ये माइलेज देगी, ठीक है, लोकल में भी आपको 17-18 का चाहे जैसे चलाइए बिंदास एकदम जी। तो बाकी आप इसका वॉक अराउंड पूरा ले सकते हैं, बैक रफा भी दे सकते हैं, भी दिखा सकते हैं, अंदर भी दिखा सकते हैं, सब कुछ भी नहीं करना गाड़ी में, एकदम फर्स्ट क्लास गाड़ियां होंगी, किसी भी गाड़ी में कुछ भी नहीं करना है, फ्यूल डालिए, गाड़ी चलाइए, सिर्फ इतना ही करना है। तो भैया आप जानते हैं क्रेटा की डिमांड के बारे में, आस्किंग प्राइस इसकी हम 925 की करते हैं, 925, हाँ, जो कि नेगोशिएबल है, जब भी बैठे होंगे तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करी जा सकती है जी, और जो भी आपका कम हो जाएगा। भैया ने इस क्रेटा की डिमांड रखी 9,25,000, जो कि नेगोशिएबल हो जाएगा अगर आप यहाँ के बात करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं, अभी आपने देखी क्रेटा एक बेस मॉडल वो था, हाँ, वो बेस मॉडल था, लेकिन अब आपको दिखाते हैं, रखे थे उसमें लगवा रखा था उन्होंने, तो सारा कुछ सेकंड बना दिया था उसको, अब आपको दिखाते हैं टॉप मॉडल, हाँ, क्रेटा, ये क्रेटा का टॉप मॉडल है जी, और मॉडल की बात करें तो ये भी 2018 का है जी, और फर्स्ट ओनर गाड़ी होगी, नंबर लखनऊ का ही है, ठीक है, और SX1.6 होगी ये जी, और इसी में अब सनरूफ आने लगी है, नहीं तो उस समय सनरूफ नहीं आती थी इसमें, ठीक है, 18 में सनरूफ नहीं आती थी, इस वेरिएंट में सनरूफ नहीं आती थी, ठीक है, और अब तो सनरूफ देने लगे हैं जी।
तो ये टॉप मॉडल हो जाएगा। और इसकी इंजन की बात करें, कैपेसिटी तो 1600 सीसी का इंजन है इसका, डीजल वेरिएंट गाड़ी होगी, ओनर फर्स्ट हो गया। फ्यूल कैपेसिटी कितनी होगी इसकी? फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो टंकी की बात करूँ तो 40 लीटर का फ्यूल कैपेसिटी है इसकी जी। और बाकी कुछ करना नहीं गाड़ी में। और टॉप मॉडल है तो इसमें एयरबैग, एबीएस सब चीज़ की अगर बात करें तो फुली लोडेड गाड़ी होगी। ठीक है, आपके एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट विद कैमरा, शीशे, ऑटो, बॉडी कलर, कंट्रोलर स्टीयरिंग पे, आगे भी हैंडरेस्ट हो गया, पीछे आपका कप होल्डर सब कुछ हो गया, सीट कवर लेदर के हो गए, फुली लोडेड गाड़ी होगी ये, कुछ भी नहीं करना है। टायर वगैरह सब एकदम बेहतरीन कंडीशन में पड़े हैं तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। और गाड़ी मुझे लगता है वैसे भी मेरी गाड़ियों में कुछ भी करना नहीं होता है, बहुत अच्छी तो बेहतरीन कंडीशन में सारी हाँ। गाड़ियां मिल जाती हैं। और जब गाड़ी भी दूंगा, अगर कोई कमी बेसी गाड़ी में आती है वो भी मैं कंप्लीट करके दूंगा कि यहाँ पे स्क्रैच पड़ा हुआ है या लाइट नहीं जल रही है या कुछ ऐसा अगर कोई भी चीज़ होगी तो वो भी चेंज करके देंगे। बाकी जैसे मैंने बताया कि मेरी 6 महीने की गारंटी होती है, आप महीने डेढ़ महीने यूज़ करने के बाद मुझे बताइए क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो भी मैं करके दूंगा, आपको नहीं करना है। ठीक है, तो गाड़ियों से एकदम बेफिक्र रहिएगा, कुछ भी नहीं करना है। बाकी आइए, जिसको दिखाना है उसको दिखाइए, चलाइए। तो भैया इस क्रेटा टॉप मॉडल की डिमांड इसकी आस्किंग प्राइस तो कस्टमर की 11,25,000 रुपए की है, जो कि निगोशिएबल है। जब भी आप बैठे होंगे तो इसमें भी कुछ ना कुछ बार्गेनिंग करी जा सकती है। ठीक है, अगर आप आगे बात करेंगे इस टॉप मॉडल क्रेटा में भी थोड़ा बहुत नेगोशिएट कर लिया जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं। तो भैया अगली गाड़ी हमारी कौन सी है? आपकी वेन्यू की बात करता हूँ मैं, वेन्यू वेन्यू भी हो गई है। ठीक है, ये हमारा चैनल पे आपको फर्स्ट टाइम दिखेगी हुंडई की वेन्यू। हाँ, हम लोग पहली बार एक्सप्लोर कर रहे हैं। मॉडल की बात करें तो मॉडल भी ऊपर का है, 19 मॉडल गाड़ी है। ठीक है, नंबर ये सुल्तानपुर का है, UP 44 नंबर। हाँ, ठीक है, ओनर फर्स्ट होगी जी। और ये सबसे टॉप वेरिएंट है इसका, विद सनरूफ के साथ में, इसमें सनरूफ भी आपको मिल जाएगा। और 30,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है, ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में है जी। तो आप दिखा सकते हैं, चेक करा सकते हैं, कुछ भी करना नहीं गाड़ी में, पूरी एक्चुअल कंडीशन होगी। अभी फीचर्स सारे फीचर मौजूद होगी आपके, एयरबैग, एबीएस, अलॉय व्हील, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट, पीछे वाइपर, डिफॉगर, फॉग लैंप, लेदर के सीट कवर, बैक कैमरा, ऑटो ग्लासेस, सब कुछ है। फुली लोडेड गाड़ी होगी विद सनरूफ के साथ में, सनरूफ भी है तो सोचिए सारा कुछ हो गया इसमें। टायर की बात करें, बहुत बेहतरीन कंडीशन में है, अभी साथ के टायर लगे हुए हैं, रखी हुई है, यूज नहीं करी गई है। 30,000 चली है, 30,000 गाड़ी चली हुई है। ये डीजल पर होगा, डीजल वेरिएंट है। ठीक है, फर्स्ट हो गया। वैसे इसमें एयर बैग साथ में था, कितने एयर बैग्स होंगे? एयर बैग की बात करूँ तो फ्रंट में इसमें भी 4 एयर बैग है, 4 एयर बैग्स है। ठीक है, पुश स्टार्ट बटन दिया है, बटन स्टार्ट है, ये फुली लोडेड हो जाएगी, फुल टॉप मॉडल है ये, पूरी टॉप मॉडल, सारा कुछ है इसमें, जो भी आपको चाहिए हर एक चीज मौजूद है। ठीक है, बाकी इसकी पूरा बैक प्रोफाइल भी, वॉक अराउंड भी ले सकते हैं, साइड से भी दिखाइएगा, पीछे से भी दिखाइएगा। अभी जस्ट मेरे पास ये गाड़ी आ ही रही है, जैसे आपने दिखाया उसी समय गाड़ी। जानते हैं वेन्यू की डिमांड के बारे में। आस्किंग प्राइस की बात करूँ तो ये 10,50,000 रुपए की आस्किंग प्राइस पे है जी। बाकी जब भी बैठे हो तो थोड़ी बहुत बार्गेनिंग कर सकते हैं। गाड़ी ये करीबन 15+ के आसपास, 15+ की है। मैंने डिमांड रखी 10,50,000, हाँ, जो कि नेगोशिएबल तो हो ही सकता है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी करी जा सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं। तो सुबोध भी, अगली गाड़ी हमारी कौन सी है? i10 की बात करते हैं। i10, ठीक है। तो मॉडल की बात करूँ तो 2014 का मॉडल है इसका जी। और वेरियंट ये भी स्पोर्ट्स ही होगा जी। फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर लखनऊ का है जी। और काम की बात करूँ, छोटी मोटी चीज़ें मैंने करी हैं इसके ऊपर, जैसे बम्पर वगैरह हुआ है, टचअप किया है, बाकी कुछ भी नहीं है, सब कुछ एक्चुअल होगा। जैसे मैंने बताया कि लड़ी भिड़ी गाड़ी नहीं होती हमारे पास में, तो उसकी गारंटी होगी, लड़ी भिड़ी एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं होगी जी। कागज़ पत्र मैं ट्रांसफ़र करा के दूंगा आपको, और बाकी आप चेक करा सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो मॉडल 2014 का है, स्पोर्ट्स वेरिएंट है गाड़ी। इस समय 74,000 किलोमीटर चल गई है, 74,000। ठीक है, ओनर फर्स्ट होगी, स्पोर्ट्स वेरिएंट की वजह से अगर कहूँ तो चारों पावर विंडो हो गए, पावर स्टीयरिंग हो गया, एसी, हीटर, पीछे आपका डिफॉगर भी हो जाता है, म्यूजिक सिस्टम इनबिल्ट हो जाता है जी। सीट कवर्स की बात करें, लेदर के सीट कवर लगे हुए हैं, अलग से लगवाए हैं, बिल्कुल अलग से लगे हुए हैं। ठीक, 14 मॉडल है तो 6-7 साल नहीं चलते हैं, लेकिन हाँ ये है कि बढ़िया सीट कवर लगे हुए हैं, टायर भी अच्छी कंडीशन में है, बॉडी से भी कुछ नहीं करना। जब दूंगा तो हम और भी बढ़िया एकदम फिनिश करके तब गाड़ी देंगे। इसका थोड़ा माइलेज बता दीजिएगा। माइलेज की बात करूँ तो लोकल, अगर शहर की बात करें तो 15-16 का माइलेज देती है, क्योंकि इंजन 1.2 हो जाता है, 1200 सीसी का इंजन होता है। ठीक है, और अगर हाईवे पे हैं तो 17-18 का माइलेज निकलता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं और कैसे। अगर आप 75 से लेकर 80 के अंदर चला रहे हैं तो गाड़ी अच्छा माइलेज देती है, और मुझे लगता है कि बढ़िया है, पेट्रोल इंजन है तो कुछ करना की जरूरत नहीं है। बाकी आप इसकी बैक प्रोफाइल भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन दिया हुआ है, आप साइड से भी दिखाइएगा, साइड से दिखाइएगा। ठीक है, वो आप लेयर्स में एंजॉय कर सकते हैं। तो भैया अब आते हैं इसकी डिमांड पर। आस्किंग प्राइस की बात करें तो आस्किंग प्राइस तो हमारी इसकी 3,25,000 रुपए की है जी, जो कि निगोशिएबल है। जब भी आप बैठे होंगे तो उसकी बार्गेनिंग कर सकते हैं। ठीक है, फिक्स कोई प्राइस नहीं यहाँ पर जी। हाँ, अगर आएंगे तो। बाकी जैसे कुछ व्यूअर्स होते हैं हमारे, देखने वाले होते हैं, उनको लगता है कि ये गाड़ियाँ थोड़ा सा महंगी हैं जी, तो मैं भी अगर बताऊँ कि अगर इस गाड़ी
को मैं रेडी करता हूँ तो मैं चाहे पेंट डेंटिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, बम्पर हो गया, साइडें हो गई, इंजन हो गया, सस्पेंशन हो गया, क्लच ब्रेक हो गया, जितनी भी कमियाँ थी सारी रिमूव कर दी उसकी, तब ये गाड़ियाँ होती हैं। और अगर ये गाड़ी आप उसी कंडीशन में लेके जाते तो 25-30 हज़ार रुपये आपको खर्च करना पड़ता। अब फिलहाल आपको इसमें कुछ भी नहीं खर्च करना है। अगर कोई कमी बेसी और भी रह गई है तो वो भी मैं करके दूंगा, और 6 महीने की गारंटी भी देंगे साथ में गाड़ी की। आप 1-2 महीना गाड़ी को यूज़ करिए, चलाइए, उसके बाद क्या कमी बेसी वो भी मुझे बताइए, तो आपको नहीं करना है। मुझे नहीं लगता कि कोई कारबाजार आपको ऐसी चीजें देगा। बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं देता है। आप गाड़ी देखिए और उसको चेक कराइए, दिखाइए, ले जाइए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना अपनी गाड़ी में। और जब आपकी इच्छा भर जाए तो आप मुझे फिर से वापस दे दीजिए, दूसरी गाड़ी लेके जाइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आइए नेक्स्ट गाड़ी पाते हैं। वैसे आपको स्टार्टिंग में बता देते, इस कार बाजार में गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं, तो सारी गाड़ियाँ हम लोग एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम लोग किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ इस कार बाजार पे आएंगे। तो आज हम लोग बस अपनी लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में लास्ट गाड़ी कौन सी कवर कर रहे भैया? अभी हुंडई की है, आज हुंडई बना रहे हैं, तो ये तो लास्ट में सबसे ऊपर का सेगमेंट 7 सीटर हो जाएगी। 7 सीटर, ठीक है, हुंडई की सेंटाफी है। इसका बताइए। और 2013 का मॉडल है ये, ठीक है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, नंबर लखनऊ का है, और ये भी इसका टॉप मॉडल होगा जी। और 1,00,000 किलोमीटर गाड़ी चल गई है ये। ओनर फर्स्ट ही होगा? हाँ बिल्कुल, फर्स्ट ओनर है ये। डीजल पर होगा? कंडीशन में है, 7 सीटर गाड़ी डीजल पे है। डीजल पर है और बहुत अच्छी गाड़ी होगी, कुछ भी नहीं करना होता। और सेफ्टी पॉइंट की बात करूँ तो अभी तक आपने कोई गाड़ी ऐसी नहीं दिखाई होगी जिसमें 10 एयरबैग होंगे, इसमें 10 एयरबैग हैं। 10 एयरबैग जी हाँ। अगर बात करूँ दिए हुए की बात करूँ तो फ्रंट के आपके एयरबैग हो जाते हैं, दोनों आपके स्टेरिंग पे हो गया, साइड में हो गया, दोनों सीट कवर पे सीट पे हो गए आपके, सारे जितने भी पिलर हैं सब पे एयरबैग होंगे। सब पे एयरबैग हैं, यहाँ पे भी एयरबैग है, यहाँ पे भी एयरबैग है, यहाँ पे भी एयरबैग है, 6 एयरबैग यही हो गए, 2 एयरबैग आगे हो गए, 8 हो गए, 2 एयरबैग स्टेयरिंग पे सीट पे लगे हुए हैं जी, 10 एयरबैग है टोटल गाड़ी में। सेफ्टी फीचर्स के साथ पूरी सेफ गाड़ी है कह सकते हैं, ठीक है। और बढ़िया फर्स्ट क्लास 7 सीटर गाड़ी है, बढ़िया स्पेस है। अगर मुझे लगता है किसी को बताया ना जाए कि ये डीजल है कि पेट्रोल है तो चलाने पे अंदाजा नहीं लगा पाएगा, क्योंकि इतना पिकअप है गाड़ी में, बहुत बेहतरीन और स्मूथ गाड़ी है। चलिए, कितना बताया आपने? 1,00,000 किलोमीटर चल गई है ये, ऑन रिकॉर्डेड होगी, फुल सर्विस रिकॉर्ड के साथ में, ठीक है। और कुछ भी करना नहीं गाड़ी में, टायर वगैरह सब बढ़िया की बात करें, 1,00,000 इसके लिए मायने रखता है? कोई मायने नहीं रखता है, अगर 1,00,000 पे गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी तो इस समय 38-40 लाख रुपए की गाड़ी है, कोई खरीदेगा? कितनी लाइफ होगी वैसे? मिनिमम अगर आप तेल पानी सर्विस टाइमली देते रहते हैं तो 3-4 लाख किलोमीटर जाती जाती गाड़ी है। थोड़ा बहुत इंजन में बरकरार, छोटे मोटी चीजें तो हमेशा आती रहती है, कुछ ना कुछ होता है जब 1-1.5 लाख किलोमीटर क्रॉस हो जाते हैं, जैसे क्लच का ही काम करूं, क्लच हो गए, ब्रेक हो गए, तो इंजन में तो थोड़ा बहुत खुलता ही है, छोटी मोटी चीजें तो आती ही रहती है। बाकी अगर रख रखाव आप अच्छा रखे हुए तो कुछ भी नहीं करना होता है, आप टाइम से सर्विस कराइए, कुछ भी नहीं करना। मोस्ट सेफ्टी गाड़ी की डिमांड बताइएगा। आस्किंग प्राइस की बात करें तो 9,50,000 रुपए की इसकी आस्किंग प्राइस है। 9,50,000, हाँ, जो कि नेगोशिएबल है, जब भी बैठे होंगे तो बार्गेनिंग करी जा सकती है। नई गाड़ी की मैंने बात बताई कि करीबन इस समय 38-40 लाख रुपए की गाड़ी है ये, और अच्छी गाड़ी है, अगर आप लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट से बहुत बेहतरीन गाड़ी है और अभी 1,00,000 किलोमीटर चलेगी, कुछ नहीं करना गाड़ी। तो फिलहाल आपने यहाँ पे गाड़ियाँ तो बहुत सारी देख ली है, तो सुबह जी आइए, चलते चलते बातें करते हैं। तो फिलहाल भैया आप समझ सकते होंगे हर किसी इतना कैश में ले पाना तो बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल भी कह सकते हैं। हाँ, एक तरह से फाइनेंस की व्यवस्था है, अगर फाइनेंस चाह रहा कोई तो फाइनेंस भी मिलेगा, ठीक है। फाइनेंस की बात करूं तो हमारे पास में ऑल ओवर यूपी फाइनेंस है। हाँ, जिसमें कि हम 75-80% तक फाइनेंस करा देते हैं, डिपेंड करता है आपके प्रोफाइल पर जी। अगर बड़ी गाड़ियां कर रहे हैं तो इनकम प्रूफ होना आवश्यक है, जैसे आप बिजनेस कर रहे हैं तो ITR चाहिए जी, आप सर्विस में है तो सैलरी अकाउंट में चाहिए या सैलरी स्लिप साथ में चाहिए, ठीक है। आप खेती किसानी करते हैं तो खतौनी चाहिए होगी जी, और तीनों में से अगर कुछ भी नहीं करते हैं तो बैंकिंग अच्छी होनी चाहिए और घर अपना होना चाहिए, तो उस आधार पे आपका फाइनेंस हो सकता है। परसेंट वाली बात करें, कितने परसेंट डाउन पेमेंट पे कर सकते हैं? 25-30% डाउन पेमेंट हो गया, बाकी 70-75% फाइनेंस कर देंगे, और प्रोफाइल अच्छी है तो 80-85% तक फाइनेंस कर देंगे, ठीक है। ये सिर्फ लखनऊ वालों के लिए, बाहर वालों के लिए भी हो सकता है? मैंने ऑल ओवर यूपी की बात करी है, यूपी में कहीं पे भी है फाइनेंस हो सकता है, ऑल ओवर उत्तर प्रदेश में। अगर अदर स्टेट का भी है तब फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या बहुत अच्छा बिजनेस वाला सिस्टम होना चाहिए, कागज पत्र अच्छे हैं तो वो भी फाइनेंस हो सकते हैं। तो फिलहाल आपने गाड़ी तो यहाँ बहुत सारी देख ली है, आप यहाँ पे आइए, कोई गाड़ी पसंद करिए, बिल्कुल बिल्कुल, टेस्ट ड्राइव करिए, प्राइस नेगोशिएट कराइए, बाकी पूरी गारंटी के साथ आप गाड़ी ले जाइए, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना अपनी गाड़ियाँ से, एकदम से पूरी तरह से जांच पर की होंगी, हर एक चीज़ से चेक करी हुई होगी, ठीक है। तो कुछ भी आपको करना नहीं हो, ना ही आपको सोचने की जरूरत है कि आप कुछ सोचें इसके बारे में, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ गाड़ी देखिए, जो भी पसंद आती है लेके जाइए। बाकी भैया की सारी डिटेल्स आपको विद नाम नंबर एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, आप आइएगा, भैया कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, सब कुछ भैया को सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से सब दिखा भी दिया जाएगा। बाकी भैया का बिहेवियर जानते ही हैं आप, फ्रेंडली नेचर के एकदम है, ठीक है। आपको सारी यहाँ पे सुविधाएं और सहूलियत यहाँ पे उपलब्ध करा दी जाएंगी। एड्रेस के बारे में बात करता हूँ, लोगों से बात करते हैं, तो हमारे बेस्ट डील फोर व्हील्स के नाम से शोरूम है ये जी, निराला नगर लखनऊ, A30 निराला नगर,
अपोजिट ICICI बैंक जी नियर रामकृष्ण भट्ट, और मेरा नाम सुबोध तिवारी है जी। आप मेरा नंबर है 9335-346-113। अगर आपको कार खरीदने और बेचने किसी भी चीज़ की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ठीक है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, आप देखिए और कुछ भी जानना है जी। फिलहाल भैया ने नंबर आपको बता भी दिया है, नंबर मैं आपको डिस्प्ले डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा हाँ। और आपके डिस्प्ले भी मैंने नंबर डाल रखा है, मुझे कोशिश करिए आप मुझे ऑफिस टाइम पे ही कॉल करें, ठीक है, तो 10 बजे से लेकर के और 8 बजे के बीच में आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, वर्किंग आवर्स में ही कॉल करिएगा क्योंकि और भी काम होते हैं। नहीं, ये तो सबको मालूम है कि भाई दिन भर अगर हम काम करते हैं और घर पे भी उसी समय 24 घंटे वही चीज़ करना, मुझे लगता है थोड़ा सा रिलेशन होती है, तो आप मुझे ऑफिशियल कॉल करें, बाकी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो अगर कोई चीज़ आपको इंक्वायरी चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भैया बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे जुड़ने के लिए, आपका धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों आज आपके लिए बस इतना ही, आपको वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा जिससे आने वाली वीडियो जानकारी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे कुछ मजेदार और यूजफुल वीडियोज का, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।